सब्सक्राइब कीजिए ए टू जेड हिंदी ट्रिक को और इस बेल आइकॉन को दबाइए हिंदी में मोबाइल कंप्यूटर इंटरनेट और ऑनलाइन अर्निंग्स वीडियो के लिए। हाय फ्रेंड्स, आप यूट्यूब के ए टू जेड हिंदी ट्रिक चैनल पर, मैं वरुण कुमार। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप जियो फाई की इसके वाईफाई नेम यानी कि SSID नेम और पासवर्ड को कैसे चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ना ही इसमें कोई डिस्प्ले है, ना ही कोई ज़्यादा बटन इसमें दिया हुआ है। तो इसीलिए बहुत से लोगों को ये भी नहीं मालूम है कि आप इसके वाईफाई नेम्स और पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। इसके लिए जियो एक वेबसाइट देती है, उस वेबसाइट पर आप जाने के बाद इसके पूरी ऑप्शंस देख सकते हैं, इसकी पूरी सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। यूजर नेम पासवर्ड के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन देख सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। तो कंप्यूटर या मोबाइल पर ले जाने से पहले मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले तो आपको जियो फाई के साथ आपके डिवाइस को कनेक्ट होना चाहिए। अब मान लीजिए जैसे कि मैं अपने कंप्यूटर पर जाके इसके सेटिंग्स को चेंज करूंगा, तो सबसे पहले मुझे इसके साथ अपने कंप्यूटर को कनेक्ट करना पड़ेगा। कनेक्ट करने के बाद ही इसके कुछ सेटिंग्स को चेंज कर पाएंगे। तो चलिए अब कंप्यूटर पर चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि आप देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं जियो फाई से कनेक्टेड हूँ। तो इसका पासवर्ड आपको जियो फाई के डब्बे पर मिल जाएगी। आप जियो फाई को ओपन करेंगे और उसके बैटरी को रिमूव करेंगे तो ठीक आपको वहाँ पर प्रिंट किया हुआ SSID नेम और उसका पासवर्ड आपको मिल जाएगी। तो उसके बाद आपको जो वेबसाइट ओपन करनी है वो है, मैं आपको बता दूँ, geofi.local.html। आप इसे ओपन कर लिया। एक और वेबसाइट है, मैं आपको बता देता हूँ, आप इस साइट पे भी जा सकते हैं, दोनों आपको उसी जगह पर लेके आएगा। तो चलिए मैं किसी एक को बंद कर देता हूँ। यह तब ही ओपन होगा जब जियो फाई डिवाइस से कनेक्टेड हो, तब किसी और नेटवर्क से आप कनेक्टेड होंगे तो यह वेबसाइट ओपन ही नहीं होगा। तो आप, तो उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं लॉगिन, तो आप लॉगिन पे क्लिक कर लें। अब यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड मांगा जा रहा है, तो आपको यूजर नेम में एडमिनिस्ट्रेटर और पासवर्ड में भी एडमिनिस्ट्रेटर ही देना है। आप जियो फाई के डब्बे पर देख सकते हैं यूजर नेम और पासवर्ड में एडमिनिस्ट्रेटर ही दिया हुआ होगा, जो कि डिफ़ॉल्ट है। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर के जगह अपने नाम या कुछ भी यूजर नेम देना चाहते हैं और या पासवर्ड अपनी पसंद का देना चाहते हैं, तो वो भी मैं आपको अभी बताने वाला हूं कि कैसे चेंज करते हैं। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करके लॉगिन हो जाए, तो लॉगिन होते ही आपको बहुत सारी ऑप्शन मिल जाती है, जैसे कनेक्शन की, स्टेटस की और सेटिंग की, वाईफाई डिस्क जो कि आप SD कार्ड यूज करेंगे उसका, और यहाँ लॉग आउट का ऑप्शन आपको मिल जाती है। तो फिलहाल हम लोगों को अभी सेटिंग के बारे में जानना है, तो आप सेटिंग पर क्लिक कर लें। सेटिंग पे क्लिक कर लेने के बाद भी आपको बहुत सारी ऑप्शन मिल जाती है, तो अभी हम लोग जानेंगे कि वाईफाई की SSID और पासवर्ड को कैसे चेंज करते हैं। तो आप वाईफाई पे क्लिक कर लें और आप यहाँ पे देख सकते हैं SSID में ये वाली नेम है जो कि डिफ़ॉल्ट पहले सेट था। तो मैं आपको बता दूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं सेम यही नेम यहाँ पर भी है, तो आप जो भी यहाँ अपने पसंद का रखना चाहते हो रख ले। चलिए मैं विकी रख देता हूँ, मेरा घर का नेम। उसके बाद अब पासवर्ड कैसे चेंज करना है वो आप जान लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिक्योरिटी की जो कि ये वाली है, तो आप बस इसे अपने पसंद का यहाँ पे डाल लें। और एक टिप्स मैं आपको और दे दूँ कि वायरलेस सिक्योरिटी का ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी जियो फाई में पासवर्ड पूछे ही ना, तो आप इसे डिसेबल यहाँ से कर सकते हैं, नहीं तो आप WPA2 ही रहने दे। तो आप देख सकते हैं मैं SSID नेम और पासवर्ड दोनों चेंज कर लिया हूँ। उसके बाद सिंपली बस आपको यहाँ पे अप्लाई कर देनी है। मैं अप्लाई पे क्लिक किया और यहाँ पे वार्निंग दे रही कि आपकी जियो फाई जो है वो एक बार रीस्टार्ट होगी और उसके बाद आपकी सेटिंग सेव हो जाएगी, तो बस आप इसे कन्फर्म कर लें। आप देख सकते हैं यहाँ वेटिंग हो रही है। अब आप देख सकते हैं यहाँ से मेरे लैपटॉप में इंटरनेट कनेक्शन ही चला गया, क्योंकि मेरा जियो फाई का यूजर नेम और पासवर्ड चेंज हो चुका है, मुझे यहाँ फिर से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ फिर से कनेक्ट कर लेता हूँ। अब देख सकते हैं मैंने पासवर्ड डाल के कनेक्ट हो गया हूँ और यहाँ ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो गया है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा सक्सेसफुली चेंज हो चुका है। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक और सेटिंग के बारे में आपको बता देता हूँ। अगर आप एडवांस सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पावर सेव, जो कि आप में 30 मिनट का होगा, मैं इसे ऑफ कर दिया हूँ। तो पावर सेव क्या है मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपकी जियो फाई किसी भी फ़ोन से कनेक्ट नहीं है, तो वह ऑटोमेटिक पावर सेव मोड में चला जाएगा, तो वह कितनी देर बाद जाएगा वो आप यहाँ पे टाइम सेट कर सकते हैं। तो यहाँ डिफ़ॉल्ट ऐसे 30 मिनट रहती है, तो मैं यहाँ पे ऑफ़ कर दिया हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यह कभी भी पावर सेव मोड में ना जाए। तो अब चलते हैं, जब आप लॉगिन होते हैं तो इसके यूजर नेम और पासवर्ड को कैसे चेंज करते हैं वो जान लेते हैं।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूजर मैनेजमेंट, आप इस पे क्लिक करें और यहाँ पे देख सकते हैं यूजर नेम में एडमिनिस्ट्रेटर दिया हुआ है, तो आप यहाँ से इसे चेंज कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे, और यहाँ पे आपको पासवर्ड देना है जो कि एडमिनिस्ट्रेटर ही था। उसके बाद आप जो न्यू पासवर्ड रखना चाहते हैं वो आप डाल दें। चलिए मैं डाल देता हूँ, यहाँ पे कंफर्म भी कर दिया। उसके बाद बस आपको अप्लाई कर देनी है। आप देख सकते हैं सेटिंग सेव हो चुकी है। दोस्तों इस तरह से आप अपनी यूजर नेम पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं और अपने JioFi की SSID नेम और पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कोई भी सवाल, कोई भी सुझाव तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं रोजाना आपके लिए नई नई वीडियो लेके आता हूं। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय।